नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में। ये कहानी मुंबई के एक ऐसे ऑटो वाले की है जिसने अपनी हवस की आड़ में सिर्फ एक नहीं कई जिंदगियों के साथ खेला। अंत में सिर्फ उसे ही नहीं, उन सब लोगों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी जो उसकी वासना के चुंगल में फंस गए। तुम्हारे ये रसीले हो जब मेरा नाम पुकारते हैं। प्रकाश, प्रकाश, तुम्हें क्या कह रहा था? मेरे होंठ, तुम्हारे नशीले होंठ जब मेरा नाम पुकारते फिर क्या होता है? प्रकाश उठिए ना। अरे यार, सपना था। क्या हुआ, क्यों उठाया मुझे? न चैन से सोने देती है न जीने देती है। जी आप ही ने तो कहा था आज सुबह जल्दी उठाने के लिए। अब ये मुझे यहाँ पे क्यों दे रही है? आप जल्दी रेडी हो जाए इसलिए मैं बिस्तर पर ही चाय ले आई। नीचे चाय। चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। आज आपको जल्दी निकलना है ना। चीनी वालों की स्ट्राइक हो गई थी क्या? जी। चीनी कौन डालेगा? तेरा बाप। मैं अभी लेकर आती हूँ। सालाना चाय में चीनी है वरना बदन में नमक। इस औरत के चक्कर में तो पूरी जिंदगी बेस्वाद हो गई। पता नहीं मेरा बाप क्या सोच रहा था जो इस औरत को मेरे पल्ले पहुंच दिया। ये ले। नहीं माँ। ए, ऐसी शक्ल क्यों बना रहे? तुझे बड़ा होके वो क्या देखता है तू? सुपरमैन वो नहीं बनना है? पर आए, मेरे को दूध नहीं जमता, इसका स्वाद बहुत बकवास है। सुन आई वाई कुछ नहीं, मेरा प्यारा बेटा है ना, जो मांगेगा सब दूंगी। पीले थोड़ा सा पीले, मेरा प्यारा बेटा है ना। शाबाश शाबाश मेरा प्यारा बेटा। चल गुड्डू अपना बैग ले ले, तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ। गुड्डू आजा। जरा सुनिए, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जाते समय पीछे से टोका मत करो, पूरा दिन खराब कराओगी क्या मेरा तुम? जी आगे से याद रखूंगी, मैं तो बस जाते जाते आपको याद दिलाना चाहती थी। आज शाम को घर जल्दी आ जाइएगा, शाम को पूजा है। मेरे साथ मोहल्ले की हर औरत ने अपने पति के लिए वट सावित्री का व्रत रखा है, कहते हैं इससे उनका रिश्ता 7 जन्म तक रहता है। और जब तक आपकी पूजा नहीं करूंगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा 7 जन्म का,
यहाँ पे तो एक जन्म नहीं संभाला जा रहा है और तुम सात जन्म की बात कर रही हो। और तुम्हें पता है ना कि शाम को मुझे सबसे ज्यादा सवारी मिलती है। तुम्हारे इस व्रत के चक्कर में तो मैं सबको भूखा ना मार दूं। और एक दिन नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। जी आप ऐसे बाबा मैं रेडी हूँ। चले चले बेटा चलो। मेरा प्यारा बेटा अच्छे से पढ़ना। बाय बाय। रुको रुको भैया, बस 5 मिनट में आ रहे हो। रुको, कितना हुआ भैया? 90 रुपए मैम। हाँ बस 5 मिनट में आ रहे हो। लिंक रोड चलोगे? नहीं भैया खाली नहीं है। अरे खाली तो है। अरे भैया नहीं जाएगा। भैया बस स्टॉप चलोगे? अरे हाँ क्यों नहीं मैडम, आइए। मंदिर चलोगे बेटा? नहीं अंकल ऑटो स्टैंड बाय पे। डबल पैसे दूंगा बेटा। ठीक है चलिए बैठिए। अरे अंकल आपको उतरना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे उतर जाओ बेटा, तुमने तो बोला था मंदिर तक रिक्शा जाएगा और मैंने तो डबल देने के लिए बोला था। अरे अंकल कैसे रिक्शा जाएगा, क्लच वायर ही टूट गया। अरे यार। अरे मैडम जी आप लगता है बहुत देर से रिक्शा का वेट कर रहे। जी आप? अरे मैडम जी मैंने आपको कल भी छोड़ा था, परसों भी छोड़ा था। आप RCT गई थी? ओ हाँ यार। जी जी याद है भैया। उत्तर नगर चलोगे? आइए ना बैठिए। चले मैडम जी। जी चलिए भैया चलिए। अरे मैडम जी आपका ठिकाना आ गया। ओ हाँ, हम आ गए। जी थैंक यू भैया। अरे क्या मैडम जी, भैया मत कहिए। पैसे? जी मैडम। अभी तक आए भी नहीं और फोन भी नहीं उठा रहे। आए तो कब खाएगी? तेरे बाबा आ जाएं, मैं खा लूंगी। तूने खा लिया ना, तू सो जा, सुबह स्कूल भी जाना है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। मुन्नी गुड्डू बहुत देर हो गई, जा जाके सो जा। पर आए बापा ये। या मुन्ना मैंने बोला ना जा जा। गुड्डू आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी से आरती कर लेती हूँ। मुन्ना ए
बंद करे नाटक, हम टाइम खोटे नहीं करने का। मुन्नी मुन्नी मुन्ना मुन्नी मुन्ना, मैं मुन्नी। ये लीजिए खाना खा लीजिए। खाना अब तू खा। मुन्नी बदनाम होई मुन्नी मुन्ना। अरे भिजवा देगा, टेंशन लेने का नहीं। कहो चाबी। रुको मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरे तू एक काम कर, आज तू ऑटो लेके आदर्श नगर जा। मेरा पुराना मालिक है ना, उसको ऑटो चाहिए अपने बीवी बच्चों के लिए एक महीना के लिए। ए धनी, मुझे रेगुलर भाड़े की चिक चिक में नहीं पड़ना यार, किसी और को भेज देना। देख मेरा पुराना मालिक है, मैं तो उसे मना नहीं कर सकता। तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना है तो मत जा। अगर तू नहीं जा सकता तो मेरे 20,000 जो उधारी है वो देते जा। ए भाऊ कहाँ की बात, कहाँ ले जा रहे हो। अच्छा ठीक है, ले जाता हूँ तेरे मालिक की मिसेज को। अब खुश है, अब तो दे दे चाबी। पर हाँ भूलना मत। हेलो मैडम। तू आवारा है, कितनी देर लगा दी, कब से तेरा इंतजार कर रही हूं। जवाहर नगर चलो। ये फोन भी क्या लगा है, कहाँ है जल्दी कर। जी मैडम, कहाँ जाना है। अभी तो बोला था जवाहर नगर, कितनी बार बताऊं, जल्दी चलाओ। अरे अरे ऐसे कैसे चला रहे, थोड़ा धीरे चला। पता नहीं कहाँ कहाँ से गवारों को लाइसेंस मिल जाता है। इधर से, हाँ इधर से लेफ्ट लो, लेफ्ट। अरे इधर कहाँ जा रहा है। अरे मैडम वो वाला राइट था, लेफ्ट नहीं था। हाँ हाँ मुझे सब समझ में आता है, पढ़ाया मुझे समझाने वाला। मैंने बोला ना सीधे चल। हाँ हाँ हाँ, अरे तुझे तो पता है ना अपने जीजा जी के बारे में। अरे आर्मी से तो रिटायर हो गए, पर घर को ना पूरा जंग का मैदान बना दिया है। मैं और रिया ना रोज दहशत में रहते हैं। अरे रिया के पीछे तो ऐसे पड़े हैं कि पूछ ही मत। मुझे तो बहुत डर लगता है, कब क्या हो जाए पता नहीं। एक मिनट रुक, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ जी मैडम। ये कहाँ ले जा रहा है। मैडम ये शॉर्टकट है, यहाँ से ट्रैफिक कम मिलेगा। ओह शॉर्टकट है, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मीटर बढ़ाने के चक्कर में तू मुझे ऐसे ले जा रहा है, पागल औरत। हाँ क्या बोला। कुछ नहीं बोला मैडम, आपको नहीं बोला। हाँ कितना हुआ मैडम। 400। क्या 400। हाँ कैसे। अरे मैडम आप ही कभी लेफ्ट कभी राइट, तो इतना तो मीटर चढ़ता ही है ना। मुझे पता है, चुप कर, मुझे सब पता है। तूने ही जानबूझकर इधर उधर घुमाया ताकि तेरा मीटर बढ़े। मेरा रोज का चक्कर लगता है, मुझे अच्छे से पता है यहाँ के 200 रुपए होते हैं। अरे देखिए ना भाई साहब, ये ऑटो वाला चोर है। अरे आदर्श नगर से यहाँ लाने के लिए 400 रुपए बोल रहा है, इतना लगता है क्या। जान लो मैडम, इनका जितना भाड़ा हो तो उतना ही दे दो, इन लोगों का नाटक ही है फंसाने का। वो तो ठीक है भाई साहब, ये आज मुझे ठग रहा है कल आपको ठगेगा। और वैसे भी मुझे ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना है। ठीक है आप कहते हैं तो मैं दे देती हूँ। ये ले पकड़ अपने 200 रुपए। अरे मैडम ये तो आधा भाड़ा भी नहीं है मेरा, आप तो लूट रही हैं मुझे। मैं लूट रही हूँ। अरे शुक्र कर इतने भी दे रही हूँ, बहुत ज्यादा दे रही हूँ। बड़ा आया साला, आज तो उस भाऊ को छोड़ूंगा नहीं, किस औरत के चक्कर में फंसा दिया। थोड़ा सो जाता हूँ यार, 1:30 बज गया।
सोने भी नहीं देते, किसका फोन है? ये कौन है जी? जी 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 मैडम जी, हाँ जी जी, आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं आ जाता हूँ। कौन सी मैडम अपनी? चल 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 चल, चल। जी 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 मैडम जी, आपको शीला जी ने बुलाया है? जी हाँ। एक्चुअली भैया मामा ने आपको मेरे लिए ही बुलाया, मुझे जरा जरूरी काम है, आप मलाड चलेंगे? जी हाँ चलेंगे मैडम जी, लेकिन भैया मत बोलिए। अच्छा ठीक है चलो। भैया वो खम्बे के पास रोकना। हाँ बस। थैंक यू थैंक यू। देख क्या रहे हो, चलो। जी मैडम। यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हम ऐसे नहीं मिल सकते रोज। कम ऑन रोहित, तुम मेरे पापा को ना जानते नहीं हो, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया ना तो वो मेरी ना चमड़ी उधेड़ देंगे, समझे? इसकी मेरी? ऑफ कोर्स मेरी। ठीक है ना, संभाल लेंगे पापा को। नहीं रोहित, हमें कुछ दिन के लिए ना ये मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। देखो वो बिल्कुल नहीं होगा ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, सही बता रहा हूँ। प्लीज यार, मत कहो। मैं नहीं रह सकता। तुम ऐसा मत सोचो, प्लीज। अरे मैडम। आउच। अरे क्या कर रहे हो भैया? ब्रेक क्यों मारी? आप लोगों का स्टॉप आ गया। चलो ये लो भैया, चल चल। अरे मैडम आपको तो सिर्फ 90 रुपए हुआ, ये तो ज्यादा। अरे भैया रख ठीक हो। अच्छा सुनो, मामा को मत बताना, ठीक है? एंजॉय। चलो रोहित। कैसे आ गए? कहाँ गई थी सुबह से तुम? मैंने मना किया था ना बाहर जाने के लिए, इधर उधर क्या देख रही है? जवाब दो। वो पापा मैं नेहा के घर नोट्स लेने गई थी। चुप कर। आज के बाद अगर बिना बताए घर से बाहर निकली ना टांग तोड़ दूंगा मैं, समझी? जी पापा। ये जो इज्जत कमाई है ना हमने, सालों लगे हैं मुझे, और तुम्हारी वजह कर ये इज्जत में थोड़ी भी कमी आई ना तो मैं तुम्हें और तुमको साथ देने वाला, दोनों को नहीं छोड़ूंगा, समझी? जी पापा। शीला, शीला। जी जी जी, आ, आ, जी क्या हुआ? तुम्हारे जिम्मे बस केवल एक ही काम, इस लड़की की परवरिश, वो भी ठीक से नहीं कर सकती हो तुम। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नजर रखो इस लड़की पे, समझी? अब बक कर रही। तू उस नाकारा रोहित से मिले गई थी ना, तुमने हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाने की कसम खाई है क्या? कम ऑन मामा, एटलीस्ट आप तो समझो, रोहित मुझसे प्यार करता है। चुप, एकदम चुप। तेरे पापा को ना इस बात की भनक भी लग गई ना तो तुझे पता है ना वो हम दोनों की जान ले लेंगे। देखो रिया, थोड़ा दिमाग से काम लो। ओब्राइज ने तुम्हारे पापा को बिजनेस पार्टनर बनाने का वादा किया है, और ओब्राइज के बिजनेसशिप पे कोई भी प्रॉब्लम आई ना तो तेरे पापा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। भैया। जी मैडम। भैया आज ऑटो 3-4 घंटे के लिए चाहिए होगा, चलेगा ना? हाँ चलेगा ना मैडम, आइए। और आप चिंता मत करो, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। जी मैडम। ठीक है,
चलिए। अच्छा एक काम करो, आप मलाड ले चलो। जी क्यों नहीं, आपको उनको ही लेने जाना होगा। जी जी मैडम। कैसी हो? ठीक हूँ। फाइनली आज तुम मुझे मिलने आ गई। वैसे ये ऑटो 3-4 घंटे के लिए बुक किया है ना? हाँ हाँ, कल तुमसे बात तो हुई थी। भैया आप हमें मिलेट नगर ले चलिए। बस भैया यहीं रुको। ये लो कुछ चाय नाश्ता कर लो, हम तुमसे 1 घंटे में मिलते हैं। प्रिया, हम दोनों ऐसे रोज नहीं रह सकते, मैं बस तुम्हारी बाहों में रहना चाहता हूँ। रोहित तुम्हें तो पता है ना मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, तो फिर आ गया आपका ठिकाना। ये लो। अरे क्या मैडम जी, आज तो क्या बख्शीश बनता था ना। ये लो रखो इसे। मजा आ गया। जी आप आ गए, कैसा रहा आपका दिन? वो पता है आज मैंने आपकी पसंद का मटन कौरमा बनाया है, सुनिए तो। हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की? ये क्या है? छी, ऐसी अश्लील हरकत करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने ना मेरे बारे में सोचा, ना हमारी शादी के बारे में, और ना गुंडू के बारे में। क्या बोली तू? जोड़ी शादी? हाँ, बड़ा पत्नी होने का दावा करती है ना, तुझे कभी कुछ बोला नहीं इसलिए अपनी औकात भूल गई ना। अभी याद दिलाता हूँ तुझे, तू बीवी नहीं फर्जी दारू है, जो पीने में भी कड़वी है और चढ़ती भी नहीं।
रुक। तेरे जैसी नौकर औरत के होते हुए मर्द दूसरी जगह मुंह ना मारे तो क्या करे? गुड्डू उठ जाएगा। गुड्डू, इसी गुड्डू की वजह से तो तू बची हुई, हाँ? वरना तेरे जैसी बेगैरत औरत जिसकी ना सूरत अच्छी है ना सीरत, तुझे मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? तू रुक, अभी तुझे बता। अरे क्या हुआ मैडम? तुझे कितनी बार बोला है कि इस रास्ते से मत लेकर आया कर, पर तू बार बार अपनी खटारा को उसी रास्ते से लेके आता है। अरे मैडम, मैंने तो आपको कहा था उस रास्ते पे बहुत ट्रैफिक होता है, आप ही बोली इस रास्ते पे आ जा, और आप चिल्ला रही है मुझ पे। कभी चोर बोलती है, कभी बोलती है मीटर ज्यादा चढ़ गया। बंदा करे तो क्या करे मैडम? ज्यादा मुंह मत खोल वरना अभी तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तेरे बाप ने यही सिखाया है। ओ मैडम, जबान सवाल के बात करो, बाप पे नहीं जाने का, वरना यहीं पे दिखा दूंगा तेरे को। बदतमीज, तेरी ये हिम्मत, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तेरा इस इलाके में ना जीना मुश्किल कर दूंगी। तू अगर प्राइम मिनिस्टर की भी बीवी होगी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तू बस एक कवि है जो सिर्फ काए काए करती है। तुम? क्या तुम? अच्छा नहीं लगा? पिछले 3-4 दिनों से तेरे को मैं झेल रहा हूँ और तुझे क्या लगा तू मेरे सर पे आके बैठेगी? तेरी ये हिम्मत तुझे मैं बताती हूँ, औकात 2 कौड़ी की नहीं, चला है मुझसे बात करनी, गंदी नाली का कीड़ा, अभी तुझे बताती हूँ, रुक जा मैं अभी। क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो रहा है? अच्छा हुआ आप आ गए हवलदार साहब, ये गुंडा मावाली कब से मुझसे बदतमीजी कर रहा है, एक अकेली औरत को लाचार समझ कर शेर बन रहा है। आप फिक्र मत करिए मैडम, मैं आ गया हूँ ना, अभी इसकी खैर देता हूँ। क्या बे, एक लाचार औरत को देख के खुद को मोहल्ले का बहुत बड़ा गुंडा समझता है? चल लाइसेंस निकाल अपना। साहब ये कोई लाचार वाचार औरत नहीं है, सुबह से आके मेरे रिक्शा में बैठी है, बकवक करके मेरे दिमाग का भरता बना दिया साहब इसने। देखा हवलदार साहब कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। मैडम आप जाइए, इसे मैं संभालता हूँ, और आप लोग भी निकले चलिए। पढ़ाया पढ़ा लिखा। औकात 2 कौड़ी की नहीं, चला है मुझसे बात करने। ये तुमने ठीक नहीं किया मैडम जी, अब तुम्हें पता चलेगा कि ये बदतमीज ऑटो वाला क्या कर सकता है। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी वो बेटी सहने की। रिया, रिया। जी पापा। ओबरा साहब का लड़का कल तुझे देखने के लिए आ रहा है, और मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत पापड़ बेले, ध्यान रहे कोई गलती नहीं करना। अगर तेरी गलती से ये रिश्ता हाथ से निकला ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझी? जी पापा।
रिया, ये सब क्या है और ये वीडियो किसने निकाला और भेजा किसने तुम्हें? मुझे नहीं पता रोहित, पता नहीं एक रैंडम नंबर से मुझे वीडियो आया। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। रोहित एक सेकंड, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, एक कॉल आ रहा है मुझे। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम जी, कैसा लगा हमारा तोहफा? पर एक बात माननी पड़ेगी, आप दिखती बड़ी जबरदस्त हो। तुम कौन? वही आपका फेवरेट ऑटो वाला। तो तुम हो? जी हाँ, उस वीडियो के रचयिता हम ही हैं, परम पूज्य प्रकाश। मम्मा सही कहती थी, तुम एक नंबर के लीचड़ इंसान हो। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया ना, बिल्कुल सही किया। उसी का तो नतीजा है ये मैडम जी। आप ये सब छोड़िए, आप ये सोचिए कि अगर ये वीडियो आपके पिताश्री ने देख लिया तो क्या होगा और उस रोहित का क्या होगा? मैंने तो सुना है कि आपके पिताजी को चमड़ी उधड़ने का बड़ा शौक है। अच्छा लिसन, तुम्हें क्या चाहिए? जस्ट टेल मी। बस कुछ नहीं, सिर्फ 50,000। 50,000? मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल समझिए या कुछ और, बस पैसा लेके आप ही आएंगी, किसी और को ना भेजिएगा। किसी और को भेजा तो? ये वीडियो जो तुम्हें भेजा है वो पूरी दुनिया को भेज दूंगा। एड्रेस भेजता हूँ, पहुंच जाना, वरना अगले दिन इंटरनेट पे देखोगी। बाय। रिया, आप सब कुछ ठीक तो है ना? और कुछ पता चला? हाँ रोहित, ये सब उस बदमाश प्रकाश की हरकत है। कौन? वो ऑटो वाला जो तुम्हें रोज छोड़ा करता था? हाँ, वही ऑटो वाला। और हाँ रोहित, उस घटिया इंसान ने मुझे धमकी भी दी है, अगर मैंने 50,000 नहीं दिए तो ये वीडियो मेरी वायरल कर देगा। अरे यार रुको रुको, तुम पहले शांत हो जाओ, तुम कुछ मत करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, ये सब मुझे अपने आप हैंडल करने दो। आई कॉल यू लेटर। अरे आइए मैडम, जो एड्रेस दिया था ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। मेरी अमानत लाई है? हाँ। प्रकाश देखो, ये 25,000 रुपए, तुम चिंता मत करो, मैं बाकी 25,000 का इंतजाम जल्द ही करूंगी। मैडम जी, पैसा तो मैं आज ही पूरा वसूल करूंगा, फिर चाहे पैसा हो या कुछ और। क्या मतलब? मतलब वही जो तुमने रोहित को मजा दिया था वो मुझे भी दो, अगर नहीं तो ये रहा मोबाइल और ये रहा वीडियो। प्रकाश, मैं एक बटन दबाते ही तुम्हारा वीडियो वायरल। सोच लो। मैडम आज नहीं तो कल। रिया क्या बोला उसने, वो वीडियो डिलीट करेगा कि नहीं? हाँ रोहित, मैंने सब बात संभाल ली है और उसने वो वीडियो भी डिलीट कर दी।
तुम्हारे तोते क्यों उड़े हुए? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो? Cheers. अरे आइए आइए रोहित भाई, कैसे हैं आप? दारू वारू पियेंगे? बस साले, दिखा देना अपनी औकात। तुझ जैसा गलीज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक लड़की का तूने ऐसा फायदा उठाया। देख, चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे, वरना तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता, समझा? अबे तुझे जो करना है कर। अरे भाई लोग, अब मुझे पता चला कि ये अपनी आइटम को देख के इतना तिलमिलाता क्यों है। ए चुप! हाय, ए चुप! जबान संभाल के बात कर, चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे, चुपचाप, नहीं तो यहीं पे गाड़ दूंगा। क्या हुआ प्रकाश? हाँ भाई, सब ठीक तो है ना? पाव नहीं ये साला। अरे भाई, ये अपनी आइटम का आशिक है। देख, चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे। वो वीडियो मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, समझा? अब मैं जब चाहूं तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, और जब पैसा नहीं दोगे तो अपनी आइटम को भेज देना। मेरे लिए तो एक ही बात है। ए, रिया के खिलाफ एक और शब्द बुलाना, तेरी जान ले लूंगा यहाँ पे। अबे साले, तूने यहाँ पे आके गलती की। मारा 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 गिरा मारा मारा। ये तो रोहित से भी नहीं संभला, अब मैं क्या करूं? आपके हाथ में ये खून? खून कहाँ? हाथ पे। वो मैं मच्छी मार्केट गई थी ना, वहीं से लग गया होगा। तू पढ़ाई कर। हाँ चवान, सुबह जो लास्ट मिली थी ऑटो वाले की, क्या नाम था उसका? हाँ प्रकाश, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सर, उसकी मौत लगभग रात 9 बजे हुई थी। सर, हैरानी की बात यह है कि उस ऑटो वाले का पर्स, फोन और सोने की चेन सब इंटैक्ट है। ये रॉबरी का केस तो नहीं लगता है सर। ये प्रकाश को कोई तो जानता होगा। हाँ सर, सारा झुंड है इसका। एक काम करो, सबसे पूछताछ करो, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो पता होगा। ओके सर। ऐसे भी क्या दुश्मनी उसे इस तरह से मारा? मिस्टर रोहित बैठिए। प्रकाश के दोस्तों ने बताया था कि आपके साथ उसका झगड़ा हुआ था और मारपीट भी हुई थी। हाँ सर, मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था। उसने मेरा वीडियो लेकर मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो वो हाथापाई पे उतर आया। तो इसीलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया? क्यों, यही हुआ था ना? जिस दिन हमारा झगड़ा हुआ, मेरा खून खोल उठा था। मैं उसका काम तमाम करना चाहता था। हाँ, कानून के नजरों में शायद वो जायज नहीं होगा, पर मेरा जमीर उसे जायज जरूर मानता। और उसने मुझे सिर्फ ब्लैकमेल नहीं किया, उसने मेरे प्यार की बेइज्जती की थी, पर मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस रात 9 बजे तुम कहाँ थे? सर, उस दिन मारपीट होने के बाद मैं अपने घर चला गया। कहाँ रहते हो? मलाड वेस्ट में, कैलाश सोसाइटी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं पुलिस स्टेशन में आना होगा, और जब तक केस की इन्वेस्टिगेशन बननी होती तुम शहर से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है सर।
सर आपको क्या लगता है? प्रकाश को इसने नहीं मारा, इसकी आंखों में सच दिख रहा है। तो किसने मारा होगा? अगर रोहित ने उसका मर्डर नहीं किया तो किसने किया फिर? चौहान एक काम करो, प्रकाश की कॉल डिटेल निकालो, पता करो उसे आखिरी कॉल किसने किया था। ओके सर, पता लगाता हूँ। उबराज साहब के लड़के को तुम बहुत पसंद आई, चलो एक काम तो तूने अच्छा किया। पापा मैं देखती हूँ। मिस रिया जी, आपको हमारे साथ पुलिस में आना है। पर क्यों? प्रकाश मात्र है बड़े के सिलसिले आपसे पूछताछ करनी है। प्रकाश के फोन कॉल चेक करने से पता चला तो उसे आखिरी कॉल आपके मोबाइल से आया था। मिस रिया, मैं जवाब नहीं दिया, आपने क्यों फोन किया प्रकाश को? खैर छोड़िए फोन कॉल को, आप हमें ये बताइए क्या प्रकाश से मिलने क्यों गई थी? वो ये जिस वक्त प्रकाश का मर्डर हुआ था आपकी फोन की लोकेशन वही थी। बोलिए मिस रिया, आपने अब तक मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या मैं मान लूं प्रकाश को आप ही ने मारा? उसके मर्डर के वक्त आप मौका वारदात में मौजूद थी, कहीं आप उस प्रकाश के वीडियो के ब्लैकमेल के चक्कर में उसे मारना नहीं चाहती थी? वीडियो? कैसा वीडियो? पापा, पापा। बता मुझे। रुकिए सर, आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। बोलिए मिस रिया, प्रकाश आपको ब्लैकमेलिंग करने से रोके क्या इसीलिए आपने उसे रास्ते से निकाल दिया? बोलिए रिया जी। हाँ, मैंने मारा प्रकाश को, मैं उसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ गई थी पापा, और मुझे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसका डर मुझ पर हावी हो रहा था, तो मैंने उसे मार दिया। सुमन, इन्हें हवालात में ले जाओ। पापा, मामा, कुछ कीजिए ना। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। आप रिया को अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या कह रही है आप? सच से पर्दा हटाना है, प्रकाश की कातिल रिया नहीं, मैं मैंने मारा है उसे। रिया ने मुझे प्रकाश के ब्लैकमेल होने के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। मुझे पता था कि रिया के पापा को जब ये वीडियो पता चलेगा बहुत गुस्से में आ जाएंगे, वो इन सब की जान ले लेंगे, इसीलिए मैंने रिया को प्रकाश को फोन करने के लिए कहा। हम उसे समझाने गए थे, मानने नहीं। प्रकाश आइए आइए मैडम जी, आज आपको इस बदतमीज आवारा गुंडे ऑटो वाले के पास कैसे आना हुआ? मुझ जैसे गंदी नाली के कीड़े के पास क्या काम आपका? प्रकाश, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। नहीं, मुझ जैसे टुच्चे ऑटो वाले को कैसे पता कि आप जैसे महान लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तो एक गंदी नाली का कीड़ा हूं ना। देखो प्रकाश, तुमने अगर वो वीडियो डिलीट नहीं किया तो हमारे पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लग जाएगी, और मेरे पति को ये बात पता चली तो? पता चल गया तो वो तुम दोनों की खाल खींच देगा। मामा ये देखो प्रकाश, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये लड़की की इज्जत का सवाल है,
तुम्हें मुझसे जो भी नाराजगी है, नाराजगी इज्जत, उस दिन क्या हुआ था जब मेरी इज्जत सरे बाजार नीलाम की थी, उस दिन इतना बड़ा तमाशा करने से तेरी इज्जत नहीं गई? देखो प्रकाश भैया, लिसन, एक तो तुम लौंडियाओं का ना ये भैया भैया का नारा लगाती रहती हो, इज्जत कैसे उछालते हैं ना, ये मैं तुझे बताऊंगा। और तेरी इस लौंडिया की इज्जत सरे बाजार उछालूंगा, वैसे ही जैसे तूने मेरी उछाली थी। और तुम दोनों मेरी इस जुत्ती पे भी आ जाओगे ना तो भी वीडियो डिलीट नहीं करो। वीडियो डिलीट कर, हाँ? डर गए थे रिया के पापा के डर से, मुझे ये कदम उठाना पड़ा। सुमन, शीला जी को ले जाओ। अगर आपने प्रकाश की ब्लैकमेलिंग वाली बात पुलिस को इन्फॉर्म की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। मामा, छोड़िए ना पापा, आप कुछ कीजिए ना पापा। पर मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग डरे हुए थे। मिस्टर जसबीर, किसी को इतना भी मत डराइए कि आप में और दरिंदे में कोई फर्क ही ना रह जाए। अगर रिया के पिता ने अपने पारिवारिक रिश्तों की नींव दहशत की जगह प्यार और सम्मान के आधार पर रखी होती तो शायद रिया और उसकी माँ शीला अपनी समस्या उनके सामने लाने से नहीं डरते। रिया बेझिझक अपने पिता को अपनी तकलीफ के बारे में बता पाती और माँ बेटी इस अपराध के जाल में फंसने पर मजबूर नहीं होते। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में, वो होगा दिलचस्प हैरत अंगेज। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।